हेलो एंड वेलकम टू सिल्क रूट ट्रैवलर। अगले आने वाले दो तीन जो व्लॉग्स होंगे वो हमारे लद्दाख ट्रिप से रिलेटेड होंगे। बेसिकली कुछ हमारे फ्रेंड्स जो दिल्ली से आ रहे हैं, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं श्रीनगर से, और यहाँ से हम बाइक्स लेके लद्दाख पहुँच रहे हैं। तो पूरी सीरीज़ को हम एक्सटेंसिवली आपके लिए लाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट उन फ्रेंड्स को रिसीव करने के लिए। तो इससे पहले कि हम आज का ये व्लॉग स्टार्ट करें, प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना करें। तो चलिए लेट्स मूव टूवर्ड्स एयरपोर्ट। तो अभी बज रहे हैं शाम के 8 और मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ और उनको जो लैंड कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 8:30 पे, ठीक है। तो दैट मीन्स वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट्स और उसके बाद तो उनके पास 10-15 मिनट होंगे बाहर आने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर सो दैट वी कैन रीच ऑन टाइम। हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट, और अभी क्योंकि फ्लाइट आई नहीं है, अभी 5 से 10 मिनट है उनको आने में, तो तब तक हम थोड़ा सा एयरपोर्ट को घूम लेते हैं। लेट्स डू सम शूटिंग अराउंड हेयर। वालेकुम अस्सलाम। अभी एक मिनट इसको नीचे रख के पहले गले तो मिल जाएंगे। वेलकम वेलकम। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, जितने भी सब्सक्राइबर हैं मुख्तियार भाई के। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग इनकी अपनी चैनल का बताई तो सही। मैं, मेरा चैनल का नाम है आतिफ नगीन जी, ठीक है। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। वेलकम। बस जी, अब दूसरे बंदे अदनान भाई मास्क लगा ले यहाँ पे, पूरा चेहरा ढक लिया है। कैसा लग रहा है मौसम अभी? मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत ठंड है और पता नहीं था हम लोगों को, हम यहाँ पे सिर्फ एक टी शर्ट में और शर्ट में आए हैं, हाफ शर्ट में। हमारा बुरी हालत है सर। कोई नहीं, सब सही होने वाला है। अभी आप टेंशन मत लीजिए, होटल में पहुँचते हैं, देखते हैं, इससे भी देखते हैं। आप खुशी मत लेके जैकेट डालेंगे, तो फाइनली इतना वेट करने के बाद आ गए हैं दोनों जनाब, ठीक है। मुझे लगता है कि लास्ट में आप ही दोनों थे, उसके बाद कोई नहीं था। अरे बैगेज ही लास्ट में आए, हमारे लास्ट में, सबसे ज्यादा लास्ट में आए होटल की तरफ। तो चलिए अभी चलते हैं हम होटल की तरफ, ठीक है। आतिफ अपने व्लॉग में, मैं अपने व्लॉग में, खूब मजा होने वाला है। तो फाइनली मुख्तियार भाई की हम ग्रैंड आइटन में बैठ चुके हैं, अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं लाल चौक पे, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना खूबसूरत ये लाल चौक लग रहा है यहाँ पे। तो एयरपोर्ट से हम सबसे पहले डायरेक्टली लाल चौक की तरफ आए, क्योंकि इनको दिखाना था कि फेमस लाल चौक दिखता कैसे है रात में। हालांकि यहाँ पे उतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी रौनक अभी भी है बिकॉज ऑफ टूरिस्ट ओनली। तो आतिफ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, हर सेकंड का व्लॉग ले रहा है, हर सेकंड में अपना सारी चीज़ें कैप्चर कर रहा है।
पिक एंड चूज पे जहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है तो आई नीड टू क्लोज इट नाउ, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स इन श्रीनगर. फाइनली हमने अभी होटल पे आ गए हैं और आकिब भाई मिल लिए हमसे, और जो कि हमारे फोर्थ पर्सन हैं लद्दाख ट्रिप के लिए. तो फाइनली मैंने उनको ड्रॉप किया है अभी उनके होटल में, ठीक है, और नाउ आई एम गोइंग बैक टू माय होम. तो कल हम उनसे मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह 8 बजे, और कल का हमारा जो प्रोग्राम है वो है गुलमर्ग जाने के लिए, ठीक है. और गुलमर्ग से हमने ऑलरेडी गंडोला की जो टिकट्स है वो भी बुक कर लिए हैं. तो आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे हम क्लोज करते हैं, और हम मिलेंगे आपको कल. और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. दिस इज़ फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम.